हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, खीरा चिल्ला। चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेश खीरा लिया है यानी कि ककड़ी। इसे बीच में से कट कर लेना है और उसके बीजे हमें निकालना है। उसके पहले उसका ऊपर का छिलका निकाल लेना है। ऊपर का छिलका इसका बहुत हार्ड होता है और वो ग्रेट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमें निकाल लेना है। अब इसे सेंटर में से दो पार्ट में कट करना है और इसके सीड्स निकाल लेना है। मैंने जो खीरा लिया है इसमें बीज है, इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे चम्मच की मदद से हम लोग पूरे बीज निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बिना बीज वाला खीरा है तो आप ऐसे ही ग्रेट कर सकते हैं। खीरे में से सारे बीजे मैंने निकाल लिए, तो इसे हम लोग ग्रेटर की मदद से कद्दूकस कर लेते हैं। खीरा मैंने यहाँ पर फ्रेश लिया तो इसमें से बहुत सारा जूस निकलने वाला है, तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें से थोड़ा जूस जो एक्स्ट्रा है वो हमें निकाल लेना है। ऐसे बैटर हमारा एकदम पतला ना हो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जूस निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे एक बाउल बेसन लिया है, बेसन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल राइस का आटा लिया है यानी कि चावल का आटा, इससे थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है। और लास्ट में मैंने एक बाउल व्हीट फ्लोर लिया है यानी आटा लिया है, नॉर्मल अपना गेहूं का आटा, उससे चीरा हमारा हेल्दी बनेगा। बाइंडिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब बारी है मसालों की। मसालों में मैंने अजवाइन लिया है आधा छोटे चम्मच, आधा छोटी चम्मच जीरा लेंगे, आधा छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर लेंगे, हल्दी, यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है और एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर ले लेना है। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि खीरे से जूस निकल आता है। वैसे तो हम लोगों ने पहले ही जूस निकाल लिया था एक्स्ट्रा, फिर भी यहाँ से जूस निकलेगा तो ऐसे बैटर रेडी हो जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला है। बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे तवा रखा था गर्म करने के लिए। इस पर थोड़ा सा तेल या बटर लेके उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो खीरे का हम लोगों ने बैटर बनाया उसे अच्छे से सेंटर पर ऐसे प्लेस कर देते हैं। और हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के ऐसे अच्छे से केयरफुली इसे स्प्रेड कर देना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है बैटर, तो इसे दो मिनट के लिए हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये स्टीम हो जाए और कच्चा ना रहे। दो से तीन मिनट हो गए हैं, चिल्ला हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा तेल हम लोग डाल देते हैं। अगर आपको तेल पसंद है तो आप तेल डालें, नहीं तो आप ऐसे ही चिल्ला को फ्लिप करके क्रिस्पी होने दे सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा टैप करते रहना है बीच बीच में और ऊपर से भी थोड़ा सा तेल लगाना है। अगर आपको तेल पसंद है तो आप लगाएं, वैसे नहीं तो आप ऐसे ही पकने दें इसे। आप देख सकते हैं ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो गई है, तो इसे फ्लिप कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की भी लेयर थोड़ी क्रिस्पी हो गई है, यहाँ पे रेड रेड स्पॉट आ गए। बहुत ही बढ़िया चिल्ला हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। आप इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ऐसे ही कर खा सकते हैं। सेम प्रोसेस से बाकी चिल्ला भी हमें बना लेना है। आप लोग इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या इवनिंग में भी बना सकते हैं गर्मा गर्म खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और इस कम तेल में ये रेसिपी बनाए तो बहुत ही हेल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।